मैं खुशबू अख्तर, देश का सिनेरियो बदल तो गया है, लेकिन अब कोर्ट भी जब ये कहता है अनुराग ठाकुर की उस रैली पर कि जब उसने उन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस स्टेटमेंट पर दिल्ली दंगे की तस्वीर किस तरह से बाहर आई वो हम सब ने देखी। लेकिन जब आज हाई कोर्ट ने इस पर ये कहा कि जब कोई बात मुस्कुराहट के साथ कही जाती है तो उसमें कोई आपराधिकता नहीं दिखाई देती। राम पुन्यानी सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी एक किताब भी आई है सत्य सत्य के साथ तथ्य भी उन्होंने रखे हैं और मिथ्या तक पर उन्होंने बात की है और बारीकी से उन पर बात की गई है। सर जब सुप्रीम जब हाई कोर्ट इस तरह के बयान देगा तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? ये काफी एक मजाक का विषय है। ये जजमेंट है या कोई कानून के तहत है मैं नहीं जानता कि आप मुस्कुराकर कहें या गुस्से से कहें, नफरत तो नफरत होती है और ज्यादातर कोई भी नफरत मुस्कुराकर नहीं कही जाती। तो ये जज ने और जिस समय ये मंत्री महोदय बयान दे रहे थे वो मुस्कुराकर कह रहे थे या गुस्से से कह रहे थे, इसके बारे में जज के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। पर ये खैर एनीवे, मंत्री साहब को तो छोड़ना ही चाहिए था क्योंकि हमारी जो व्यवस्था हो गई है उसमें दो प्रकार के कानून आ गए हैं। एक प्रकार का कानून उनके लिए है जो नफरत की बातें फैलाते हैं और दूसरे प्रकार का कानून उनके लिए है जो मोहब्बत की बात करते हैं। एक प्रकार का कानून उनके लिए है जो मुख्य संख्यक धर्म से बिलोंग करते हैं और दूसरा उनके लिए है जो मानव अधिकारों की बात करते हैं या माइनॉरिटीज हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो मैं इस जजमेंट को एक मजाक के रूप में देखूंगा और वास्तव में ये मजाक का मुद्दा है कि नफरत कभी भी कोई मुस्कुरा कर नहीं फैला सकता। नफरत के लिए तो गुस्सा अंदर हो, चेहरे पर ना हो, वो तो कलाकार लोग कर सकते हैं, नाटककार लोग कर सकते हैं, बड़े बड़े एक्टर शायद कर सकेंगे, पर आम लोगों में जब आप गुस्सा करते हैं, नफरत फैलाते हैं तो चेहरे पे तो गुस्सा ही रहता है। अब ये जज साहब से पूछना पड़ेगा कि वो नफरत की बातें फैलाते हुए कोई मुस्कुराकर कैसे कह सकता है, उसकी भी एक कला होगी। शायद कोई ड्रामा स्कूल से इनका एक्सपोजर हुआ होगा जिसमें उनको सिखाया गया होगा कि आप मुस्कुराते रहो भले ही आप नफरत फैलाते रहो। तो इसको तो मैं इस सेंस में लूंगा। राम सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार इसी तरह के जजमेंट सामने आ रहे हैं क्योंकि बोला जाए कि संविधान या न्याय के लिए अगर किसी की शक्ल देखी जाती है, किसी से उम्मीद की जाती है तो वो हमारा न्यायालय है। हम उन्हीं की तरफ टकटकी लगा के देखते हैं कि इंसाफ हमें वहीं से मिलेगा। लेकिन इन दिनों जिस तरह से वर्डिक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, मैं इस वक्त हिजाब की बात कर रही हूँ, कर्नाटका में बच्चियों ने बस इतना कहा कि उन्हें सर पे चुन्नी लपेट कर पढ़ने जाना है। काफी दिन तक बहुत कुछ चलता रहा, वर्डिक्ट क्या आया आपके सामने है? और जब बच्चियां कोर्ट के पास गई कि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, हमें एग्जाम्स देने दीजिए, तो कोर्ट ने कहा कि ये इतना जरूरी नहीं है जिस पर बात की जाए, तो उनकी बात को टाल दिया गया। आप आपके मुद्दे को किस तरह से देखते हैं और ये वर्डिक्ट जो एक सिनेरियो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहले तो हिजाब का मामला जो है उसको तो हमें जो इस्लाम के विद्वान हैं उसको अलग अलग प्रकार से देखते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में कुरान में, कुरान शरीफ में क्या कहा गया है कि आप नज़रों को झुका के रखिए, वो मुख्य बात कही गई है, और सिर ढांकने की प्रथा जो आई। अब सवाल यह है कि अगर अभी तक जो कर्नाटक में पहले चल रहा था, हम वो स्टेटस क्यों तक क्यों नहीं आ सकते? ये तो लड़कियां अभी तो नहीं जा रही इस तरीके से, जाती थी हिजाब पहनकर और क्लासरूम में हिजाब निकाल देती थी, क्लासरूम में शायद बिना हिजाब के बैठती थी जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो वो स्टेटस को यानी आप स्कूल तक जा सकते हैं हिजाब में, आप क्लासरूम तक जा सकते हैं और क्लासरूम के अंदर उसको नहीं चाहिए, तो ये पहले की जो बात थी, मुझे इतना इसमें समझ में आता है कि हिजाब का पहनना ये शिक्षा प्राप्त के प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। एजुकेशन ये हमारे लिए एक बहुत हाईएस्ट चीज़ है और उसके लिए हमको किसी प्रकार की रुकावट नहीं करना चाहिए। मैं जितना जानता हूँ कि अभी तक अगर आप देखें तो पगड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है और कितने ऐसे प्रतीक, मंगलसूत्र है, कितने ऐसे प्रतीक हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में
चलते हैं, तो उसमें केवल एक हिजाब को ही ले पकड़ के लेकर चलना, ये मेरे ख्याल से थोड़ा उचित नहीं है। अभी आप देखिए, लोगों के भी दोहरे मानदंड हैं। सबरीमाला में जब जजमेंट आया कि आप स्त्रियों को अलाउ कीजिए, तो उस समय एक पार्टी खड़ी हो गई, नहीं हमारी परंपरा का मामला है, इसमें कोर्ट की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। जब हिजाब का मामला आया तो उन्होंने कहा ये परंपरा को छोड़िए, जो कोर्ट की बात है उसको आप सुनिए। तो ये दोहरे मानदंड हमारे समाज में चल रहे हैं और उसका ज़्यादा नुकसान लड़कियों के एजुकेशन पर हो रहा है। और मुझे लगता है कि लड़कियों का एजुकेशन किसी भी कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस बात का दाखिला लेना चाहिए कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में एक स्कूल, लड़कियों के पेरेंट्स, इसके बीच में एक कमेटी बनाकर उसका रास्ता निकाला जाए कि पहले जैसे लड़कियां आ रही थी उस प्रकार से चलने देना चाहिए। और समाज में सुधार की बात है, वो एक अलग मामला है, वो समाज के अंदर का मामला है। समाज ने कोशिश करना चाहिए कि समय के अनुसार कौन क्या चीज़ सही है वो समाज पर छोड़ देना चाहिए, बाहर से उसमें दखलंदाजी ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने मेरे ख्याल से इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि अभी तक तो ये चल रहा था, अभी क्यों बदला जाए, अभी इसको बदलने का कोई कारण नहीं है। और दूसरा, अगर लड़कियों का एजुकेशन सफ़र हो रहा है तो उसमें तो कोर्ट ने एनकरेज करना चाहिए कि लड़कियों का एजुकेशन किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। सर, इसी के साथ एक तस्वीर और सामने आती है। जब से ये हिजाब का मामला सामने आया है, तब लड़कियों के हिजाब उतरवाए जा रहे हैं, जो भी लड़के, आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार देखे होंगे। तो क्या देश में अब बेटियां खुल के बोल रही हैं? आपने एक 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 सिनेरियो में नोटिस किया, हम 2014 की बात नहीं करेंगे, जब जब मुखर होकर सत्ता अपनी चीजों को सामने रखती आई तो मर्दों से ज्यादा बेटियों ने आगे आके अपनी बात को बुलंद रखा है। शाहीन बाग की अगर आप बात करें, किसान आंदोलन की अगर आप बात करें, तो बेटियां डटकर खड़ी थी और फिर उनको अलग अलग तरीके से टारगेट बनाया गया। लेकिन अब जब हिजाब उतरवाया जा रहा है तो बेटियां रो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़ रही हैं। इस तस्वीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने ये शाहीन बाग का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। शाहीन बाग मेरे ख्याल से देश के बहुत बड़े आंदोलनों में इसका नाम हमेशा एक इज्जत से लिया जाएगा। और बेटियां जो अभी भी अपने हकूक के लिए लड़ रही हैं और उसमें मेनली जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, और बाद में क्योंकि एजुकेशन ही रास्ता है जो हमारे लिए समाज की सब कुंजियों को खोलता है, तो उसके लिए जो कर रही हैं उनका कदम सराहनीय है। और जो हमको वो वीडियो वायरल हुआ था, इस प्रकार से जय श्री राम का नारे लगा के लड़कियों को आतंकित करना, ये एकदम गलत बात है। जहाँ हम अपने समाज में बात करते हैं कि हम स्त्रियों का आदर करते हैं, हमारे समाज में स्त्रियों का आदर करना चाहिए, और वो जो मुस्कान का वो वीडियो था वो तो एक बहुत हैरान करने वाला था कि स्त्रियों के आदर की कहाँ बात है। यहाँ तो एक अकेली लड़की जा रही है, उसको डराने के लिए 30-40 लड़के खड़े हैं भगवा कपड़ा पहन के, इसकी पूरी निंदा होना चाहिए। और लड़कियों को पूरा इज्जत से उनके संघर्ष की बात सुनना चाहिए। और उसमें ये बात है कि कोई उसमें उनको भी उकसाए नहीं, और वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अगर इस बात को लेकर आगे चले तो वो सही होगा। उनकी ज़रूरतों का पूरा पूरा आदर समाज ने करना चाहिए। सर, इसी के साथ एक चीज़ जो बार बार दिमाग में आती है कि हम इन तस्वीरों को बदलते हुए देख रहे हैं, लेकिन जो एजेंडा है सत्ता का, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, वो एक ही है, वो नहीं बदला है। वो पूरी तरह से डटे हुए हैं अपनी चीजों को नफरत के आधार पर बताने के लिए, क्योंकि विकास दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने 2-3 तलाक हटा दिया, वो उनकी अचीवमेंट है, हम उस पर नहीं जाएंगे। कश्मीर फाइल्स आपने देख ली होगी, आपकी किताब भी कश्मीर के बारे में ही बात करती है। हाँ, किताब पहले आई, ये फिल्म बाद में आई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस कश्मीर को कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है वो क्या वैसी ही तस्वीर है? क्या मुसलमान उतना ही क्रूर है? क्या जिस तरह से हिंदुओं, कि मैं ये जस्टिफाई करने के लिए नहीं बोलूंगी कि जो क्रूरता हुई वो हिंदुओं के साथ हुई या मुसलमानों के साथ हुई, क्रूरता क्रूरता है, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो तस्वीर ये फिल्म दिखाती है, क्या वो सच में सही है? देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैंने अभी वो फिल्म नहीं देखी है। उसके बारे में जो बहुत सारी कमेंट्स आई हैं उसके बेसिस पे मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूं कि ये फिल्म में आधा सच दिखाया गया है, और दूसरा, ये आतंकवादियों को, मिलिटेंट्स को पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ देती है। मेरा विश्वास कीजिए,
कश्मीर का आम मुसलमान कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। और ये बहुत सारी फिल्में, मैं भी कई बार कश्मीर गया हूँ, कश्मीर का मैंने अध्ययन भी किया है, कश्मीर के बारे में जो उसका कल्चर है, कश्मीरियत का कल्चर। अभी ये कितने लोग जानते होंगे कि कश्मीरियत जिसको कहते हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, वेदांत के सिद्धांत, बुद्ध धर्म के सिद्धांत और सूफी परंपरा। तो वहाँ आपस में लोगों का इतना मेलजोल था। एक आपको बताना चाहता हूँ, अभी 8-10 साल पहले मैंने पढ़ा था, जब फारूक ये उमर अब्दुल्ला वहाँ गए थे और उस दिन बहुत सारे पंडित भी आए थे, मुसलमान भी थे, और वो एक जश्न मना रहे थे, उसको कहते हैं खीर भवानी। खीर भवानी, खीर भवानी के उत्सव में सभी लोग शामिल होते हैं। तो ये जो मुसलमानों को क्रूरता बताया गया है पूरी तौर से गलत है। आम मुसलमान में कोई क्रूरता नहीं है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये बात भी पूरा सच्चाई के साथ कहना चाहूँगा कि मिलिटेंट्स ने जो वहाँ किया वो पूरा पूरा आपराधिक काम है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने बेकसूर पंडितों को टारगेट किया, गलत है। उन्होंने बेकसूर मुसलमानों को भी टारगेट किया, वो भी गलत है। पर ये फिल्म क्या करती है कि जो मिलिटेंट्स ने किया उसको आम मुसलमानों के साथ जोड़ देती है। अब यही उसकी गलत बात है। गलत बात ये नहीं है कि वो कुछ कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ वो उन्होंने दिखाया, उतनी बात तक सही है। पर बाद में जो मिलिटेंट्स को आम मुसलमानों से, कश्मीरी मुसलमानों से जोड़ देते हैं, उसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए कि जब कश्मीरी पंडित वहां से आए भी थे तो इतनी, मैंने आज भी एक बहुत अच्छा लेख पढ़ा उस पर, कि वो ये मानकर आए थे कि कुछ दिन के लिए हम जाएंगे, बाद में वापस आ जाएंगे। अपने पड़ोसी मुसलमानों को घर की चाबियां देकर गए थे, और कई पड़ोसी मुसलमानों ने कहा आप जाइए मत, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ये पर खैर, मिलिटेंट्स के सामने किसकी चलती है? अब ये बात देखिए कि मिलिटेंट्स के अत्याचार को ये बताना कि ये मुसलमानों द्वारा किया गया है, ये सबसे बड़ा झूठ है। और ये नफरत फैलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, नफरत फैलाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल गलत है। सर, कश्मीर फाइल्स के आने के बाद कश्मीरियों को होटल रूम नहीं दिया जा रहा है, मुसलमान वेंडर्स को कश्मीर फाइल्स के बिहाफ पर उन्हें उनकी दुकानें तोड़ दी जा रही हैं, उनके दुकानों को बैन कर दिया जा रहा है। क्या इतिहास, साहित्य और तमाम जो पैमाने हैं जिनके हिसाब से हम जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे पूर्वज क्या रहे हैं, अब वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के उस एजेंडे में है, जिसमें मारा अगर कोई जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान है, मैं मुसलमान नहीं कहूंगी, हाँ मुसलमान ही मारा जा रहा है, लेकिन मुसलमान एक आम इंसान इस नफरत के शिकार हो रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? और जब बात टैक्स फ्री कराने की बात आती है तो नफरत के एजेंडे पर तो टैक्स फ्री हो जाता है, लेकिन जब बात गोधरा कांड की आती है तो वहां पर हर कोई एक तो उस फिल्म को रिलीज नहीं होने देता और उस पर चुप्पी अलग साथ लेता है। आपने पूरा साहित्य देखा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। देखिए, एक्चुअली गुजरात पे दो बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, एक है नंदिता दास की फिराक और दूसरी है परजानिया। आप देखिए, ये फिल्मों को देखने से आपके अंदर नफरत नहीं पैदा होती। आप ये फिल्म देखते हैं कि भाई एक कुछ तबके मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, बाकी जैसे एहसान जाफरी का मर्डर कर रहे हैं, पर फिर भी ये फिल्म एक सवाल की तरफ इशारा करती है कि ये सवाल हमारे समाज के लिए गलत। वो फिल्में, और परजानिया को तो गुजरात में बैन कर दिया था इसी प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जबकि ये फिल्म आई तो अभी तो मैंने जो सुना है कि लोग फिल्म देखने के बाद थिएटर्स में मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं। अभी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हथियार लेके जाना चाहिए फिल्म देखने के लिए। ये आशा है मैं गलत हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ों से तो हमारे समाज ने जो हजारों साल से, मैं 700 साल की बात नहीं कर रहा, जैसे लोग कहते हैं 1300 साल की गुलामी, मैं कहता हूँ 1300 साल के मेल जोल को खत्म कर रहे हैं, और उसमें फिल्म ये एक उसके ऊपर के रूप में आ रही है। खत्म करने की कोशिशें तो पहले से हैं, जो ये प्रोपोगंडा करते हैं, गलत नफरत फैलाते हैं, उसके कारण ये आ रहा है। पर फिल्म आखिरी में एक
उसको कैप करती है। जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आप पानी में आप डालते जाइए शुगर 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 या कोई भी चीज़ डालते जाइए, तो पहले सोल्यूशन रहता है, बाद में क्रिस्टल आप डाल दीजिए तो पूरा क्रिस्टल बन जाता है। फिटकरी के बारे में मैंने केमिस्ट्री में ये पढ़ा था। तो नफरत तो कितने सालों से फैलाई जा रही है, और ये फिल्म आके आखिर में उसने क्रिस्टल का काम करके इसको एक गलत अंजाम देने की कोशिश है। तो मेरे ख्याल से आज के समय महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग, ये तो जहाँ अगर मैं तो पुनर्जन्म को मानता नहीं हूँ, पर उनके विचारों को कितनी तौर से खत्म किया जा रहा है इसके लिए एक बहुत दुख, ये दुख की बात है, गुस्से की भी बात है कि हम ऐसे समाज को कैसे चलने दे सकते हैं जहाँ नफरत नफरत इतनी फैली हो। मुझे लगता है कि जहाँ नफरत इतनी फैलाई जाए वो समाज आगे प्रगति कर ही नहीं सकता, समाज आगे चैन से न जी सकता है न प्रगति कर सकता है। तो नफरत फैलाना ये अपने आप में समाज को पीछे ले जाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। भारत गर्त की तरफ जा रहा है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो क्लियर दिख रहा है कि हम जो पीछे की तरफ रिवर्स गियर में ही जा रहे हैं। 1300 साल से हमारी जो मेलजोल की परंपरा थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब को तो पूरी तौर से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत बुरे हालात हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता।